घर में आग लगने से 3 घर जलकर हुआ खाक। प्रयागराज कौधियारा थाना क्षेत्र के भनौरी ग्राम सभा के अहिरान बस्ती की रमाकांत यादव, श्रीकांत यादव, कमलाकांत यादव पुत्र अमरनाथ यादव की तीनों बेटों का घर में लगभग 12 बजे रात्र में अचानक घर में आग लग गई, जिसमें पूरा सामान जलकर खाक हो गया और अब पूरा सामान जल गया, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। मौके पर ग्राम प्रधान जगदम्बा पटेल, राजस्व विभाग के लेखपाल हीरा लाल और रोजगार सेवक ज्ञानेंद्र पटेल और पूर्व प्रधान सीताराम पटेल, भारतलाल पटेल तथा गांव के अन्य लोग मौजूद रहे। भनौरी ग्राम सभा के अहिरान बस्ती में कल रात्रि 12 बजे के बीच में अचानक आग लग गई, जिसमें पूरा घर जलकर खाक हो गया और उसमें जैसे कपड़े, कुर्सी, गेहूं 15 क्विंटल और 2 क्विंटल चावल और 30 क्विंटल धान आदि सब सामान जलकर खाक हो गया। उस गरीब परिवार के पास अब खाने के लिए, वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब उस परिवार का गुजारा कैसे होगा? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह है कि अपने अधिकारियों को सूचित करके उस गरीब परिवार की सहायता के लिए कुछ प्रबंध कराया जाए। उस परिवार में रमाकांत यादव की 3 बच्चे, श्रीकांत के 4 बच्चे, कमलाकांत के 4 बच्चे रात्र में सा परिवार सो रहे थे। किसी तरह आग का आभास हुआ तो सभी लोग घर से बाहर भाग खड़े हुए और चिल्लाने लगे। तब गांव के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और आग को बुझाने में लग गए तो पीड़ित परिवार वालों ने 112 नंबर पर सूचना दी और मौके पर 112 नंबर के अधिकारी पहुंचे। उसके बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, जिसमें जानवर व परिवार के लोग बाल बाल बच गए हैं। प्रयागराज से इंडिया समाचार के लिए शिव कैलाश भारतीय की ये रिपोर्ट।